अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं जन्नत। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त वाइटनिंग सीरम। मार्केट में तो बहुत ही सीरम आपने देखे होंगे और आप कंफ्यूज भी होंगे कि कौन सा सीरम यूज़ किया जाए और कौन सा सीरम यूज़ ना किया जाए। सीरम जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है, फाइन लाइंस को रिमूव करता है, स्किन पे जो एजिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। और जो सीरम मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये सब करने के साथ साथ आपकी स्किन टोन को भी लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सीरम मैंने खुद घर में बनाया है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाया है और बहुत ही सिंपल है इस सीरम को बनाना, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये आपकी स्किन टोन को लाइट करने के साथ साथ आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइंस को भी रिमूव करेगा। तो चलिए देखते हैं इस सीरम को बनाना कैसे। बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा रोज़ ऑयल। इसमें मैं 2 टीस्पून जो है वो रोज़ ऑयल के ऐड कर रही हूँ। रोज़ ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है जो आपकी स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलमंड ऑयल। मैं इसमें 2 टीस्पून ही आलमंड ऑयल के भी ऐड करूँगी। नेक्स्ट आपने इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। इसमें आप 2 से 3 टीस्पून कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो। कोकोनट ऑयल की स्किन के लिए बेनिफिट्स तो आप सभी जानते हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 विटामिन ई के कैप्सूल, 2 वाइटनिंग कैप्सूल जो क्रीम वाले कैप्सूल मार्केट से मिलते हैं, और 2 जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल जो कॉस्मेटिक शॉप से आपको ईजिली मिल जाएंगे। ये तीनों कैप्सूल जो है वो आपने दो दो डालने हैं। इनके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये स्किन वाइटनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये कैप्सूल और सब ऑयल्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त वाइटनिंग सीरम रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक बॉटल में निकाल लूँगी। तो ये सीरम हमारा रेडी हो चुका है। इस सीरम को आपने कर लेना है शेक। आप इसको 1 से 2 मंथ जो है वो स्टोर कर सकते हो। ये है ऑयल बेस्ड सीरम। इसको ना सिर्फ ड्राई स्किन वाले बल्कि ऑयली स्किन वाले और कम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके स्किन टोन को लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऑयली है। मैं इसको अपने हाथ पे जो है ना वो अप्लाई करके आपको ज़रा करीब से दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ऑयली है और कितनी स्मूथ। आपकी स्किन एकदम से ग्लोइंग करना स्टार्ट कर देगी। कितनी ग्लोइंग लगेगी आपकी स्किन, आप देख सकते हो मेरे हाथ की स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है। इसी तरह आपके फेस की स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। आपने इसको नाइट टाइम में यूज़ करना है। आप चाहें तो इसको डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मेकअप के नीचे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप मेकअप अप्लाई करना है। आप इसको एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर और प्राइमर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट्स है। आपने इसको 1 मंथ रेगुलर यूज़ करना है और 1 मंथ के रेगुलर यूज़ करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।